नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन विद्या पॉइंट में। आज तारीख कितना दोस्तों, 24 अप्रैल 2020, और आज से जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं आप इस वीडियो में देखिएगा। और आज की वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स का, उसे आप पूरा कर दीजिए। और आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से? तो हमारे टेलीग्राम चैनल से। अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपनी राय देने के लिए कमेंट कीजिए। चलिए चालू करते हैं। ये हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था और इसका जिस दोस्त ने भी सही जवाब दिया उसके नाम है दोस्तों विजय कुमार, अवधेश कुशवाहा, संजय मालव, सौरभ राजपूत, धर्मेंद्र कुमार और डीजे जोगिंदर राजा। अब हम देखेंगे इस प्रश्न के बारे में, हु इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज कर्फ्यू ड्यूरिंग लॉकडाउन, यानी कि लॉकडाउन के दौरान कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंजाब। आपके लिए एक और आपके लिए खुशखबरी है दोस्तों, आप आज हम कुछ नया लेकर आए हैं, इसलिए आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा क्योंकि इसके लास्ट में हम बताएंगे उसको। ठीक है, अब देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। विच एपिडेमिकल एक्ट वॉज अमेंडमेंट टू अवॉइड वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ वर्कर, यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा से बचने के लिए किस महामारी रोग अधिनियम से में संशोधन किया गया? तो संशोधन किया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि महामारी रोग अधिनियम में संशोधन किया गया। ठीक है, अब देखिए संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम आमतौर पर जान रहे हैं कि जो भी स्वास्थ्य कर्मी है वो कहीं भी जाते हैं तो उनके ऊपर हमला हो जाता है, उनके जान माल को खतरा हो जाता है। ठीक है, और इसी की रिकवरी के लिए ऐसा ना हो, उनको चोट ना पहुंचे, इसीलिए इस अधिनियम को चेंज किया गया, इसमें संशोधन किया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये नियम क्या बना है और चेंज क्या हुआ है। तो देखिए, अगर स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा करता है तो उसकी कोई जमानत नहीं होगी, और हमले के 30 दिन के भीतर फैसला लेना होगा और 1 साल के भीतर निर्णय सुनाना होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो हमले का आरोपी है उसको 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है और 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। अगर स्वास्थ्य कर्मियों को गंभीर चोट आ जाए तो उन आरोपियों को 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा और उन्हें 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, एक विशेष स्थिति में अगर जान माल की नुकसान हो जाए, यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों को वाहन जो उनको गाड़ी लेके जाते हैं और उनका जो क्लिनिक है उनको नुकसान पहुंचा दिया, जो उनको टूट फूट जाए, तो उनके बाजार मूल्य से 2 गुना मुआवजा वसूला जाएगा जिसने ये किया है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? तो रोक किसने लगाई? तो लगाई है ऑप्शन नंबर सी यानी कि झारखंड राज्य सरकार ने लगाई। अब देखिए दोस्तों, इसमें रोक लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोरोना है ये थूकने से बढ़ता है। ठीक है, यानी कि जो ये जितने भी तंबाकू के पदार्थ हैं इनमें थूकने की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि खतरा है फैलने का, इस करके वहां पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसको किसने रोक लगाया, झारखंड ने। तो झारखंड के बारे में जान लेते हैं, जो परिस्थिति उसमें इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आप इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके, ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा हम बोलेंगे तो वीडियो लंबी हो जाती है। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। इंग्लिश लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि अंग्रेजी भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों हर साल ऑप्शन नंबर यानी कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आप देखिए दोस्तों, 23 अप्रैल को क्यों, क्योंकि 23 अप्रैल को जो विलियम शेक्सपियर थे, शेक्सपियर के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे, जो इसी दिन का जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था, इसी कारण अंग्रेजी भाषा दिवस इस दिन मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी के बारे में कुछ फैक्ट हम जानते हैं। जो अंग्रेजी भाषा है ये दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन जो आमतौर पर हम पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, बिजनेस में, मीटिंग में जो भाषा यूज करते हैं कौन सी करते हैं, इंग्लिश को ही यूज करते हैं। और इसी के साथ जो यूएन अपनी 6 भाषाओं में यूज करता है उसमें से एक भाषा इंग्लिश की भी है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और उससे पहले जानते हैं कि पूरे इस महीने का दिवस जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैंने इस लिस्ट में लगा रखे हैं जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है उसी को पूरे महीने का लिखा हुआ है, इसको भी आप याद करिएगा। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी स्टार्टेड ए हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन अंडर सेवा डा सीनियर, यानी कि
किस राज्य किस प्रदेश ने वरिष्ठ नागरिक के लिए सर्वदा सीनियर्स के तहत हेल्पलाइन शुरू की है? तो हेल्पलाइन शुरू की है दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश ने इस हेल्पलाइन को चालू किया। अब देखिए दोस्तों इस हेल्पलाइन में मिले क्या इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए इसको किसने चालू किया है, तो जम्मू और कश्मीर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने इसको चालू किया। किसके लिए? जो भी व्यक्ति बूढ़ा हो, वरिष्ठ नागरिक और अकेले रह रहा हो घर में, उसके लिए चालू किया है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो बूढ़े आदमी होते हैं वो असहाय होते हैं, उनको रोजमर्रा के काम करने में काफी दिक्कतें आती हैं, जैसे में उनको सामान ले आना हो गया, कोई चीजें करनी होगी तो वो नहीं कर पाते, उनको ध्यान में रखते हुए ये चालू किया गया, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों हम आगे और इससे पहले जानेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर की राजधानी का तो दोस्तों श्रीनगर, ठीक है। इसके गवर्नर है जगदीश चंद्र मुर्मू और ये पहले गवर्नर, इसलिए आप इसको याद कीजिएगा। इसकी पार्लियामेंट सीटें राज्यसभा की 4 और लोकसभा की 5 सीटें हैं। अब केंद्र प्रदेश बना कब? तो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी और बेल बटन अभी दबा दीजिए, ठीक है। और हमारा जो टारगेट है 50 लाइक्स का, उसको भी आप पूरा कर दीजिए। आप देखते हैं प्रश्न को। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द अपरमिता हेल्पलाइन एंड ऐप टू फाइट कोविड-19, यानी कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आपात मित्र हेल्पलाइन और ऐप लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक राज्य ने इसको लॉन्च किया। किसको लॉन्च किया? ये आपात मित्र नाम का एक हेल्पलाइन नंबर भी है और ये एक ऐप भी है, इसको लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा, ठीक है। अब देखिए इसमें मिले क्या, इसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। इसका उद्देश्य जो भी जरूरतमंद लोग हैं जिनको चिकित्सीय परामर्श की जरूरत है, ठीक है, यानी कि लॉकडाउन लगा हुआ है, डॉक्टरों की क्लिनिक नहीं खुल रही है, ठीक है, लोग कहीं आ जा नहीं रहे हैं, तो उनको चिकित्सीय परामर्श चाहिए। और जिन लोगों को लग रहा हो कि मुझे कोरोना वायरस के लक्षण है तो अपने घर से ही हेल्पलाइन पर कॉल करेंगे और उनको चिकित्सा सलाह दे दी जाएगी डॉक्टरों के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये कहां कहां इसको लॉन्च किया गया, कहां कहां, तो देखिए दोस्तों बेंगलुरु में 4 केंद्र बनाए गए हैं और मैसूर में खुला है, मैंगलोर में खुला है और बटवाल में 6 स्थानों पर इसके हेल्पलाइन केंद्र भी बनाए गए हैं। देखिए कब से कब तक ये खुला रहता है, तो खुला रहता है दोस्तों सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक ये खुला रहता है हेल्पलाइन। इस कहां से फोन कर सकते हैं, इसके ऐप के माध्यम से। ऐप का नाम है आपात मित्र और हेल्पलाइन का नाम भी है आपात मित्र। इसको लॉन्च किसने किया? कर्नाटक ने। तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप वीडियो रोकिए और पूरा का पूरा आप पढ़ लीजिए, आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। अगला प्रश्न है, प्लेयर हैज रिसेंटली बीन चूजन एज द एम्बेसडर फॉर द आई बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन ऑफ द वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, यानी कि हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी कि BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो चुने गई है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि PV सिंधु। ये खेलती क्या है? ये खेलती है दोस्तों बैडमिंटन भारत की तरफ से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों किस जागरूकता अभियान के लिए चुना गया, तो IM बैडमिंटन के लिए चुना गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इनको अकेले ही नहीं चुना गया, इनके अलावा वर्ल्ड की 8 और खिलाड़ियों को चुना गया, ठीक है, किसके लिए? BWF के ब्रांड एम्बेसडर अभियान के लिए, ठीक है। अब देखिए जो कौन कौन चुने गए जो इम्पोर्टेंट है उनको जानते हैं दोस्तों। कनाडा के मिशेल ली, चीन के झेंग सी वेई और हुआंग या क्योंग, इंग्लैंड के जेक सेपर्ट, जर्मनी के वाल्सेका नोबलाच, हांगकांग के चानो युआन और जर्मनी के मार्क जेवेलर्स इनमें शामिल किए गए PV सिंधु के अलावा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके थ्रू दोस्तों किसके लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या है इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने का, तो देखिए बैडमिंटन खेल को पूरे वर्ल्ड में प्रसारित करना और बताना कि कितना साफ सुथरा खेल है, ठीक है, और कितना अच्छी तरह से खेला जाता है, ये बताने के लिए बस ये बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटमेंट बाय द इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एज इट्स प्रेसिडेंट, यानी कि इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राकेश शर्मा जी, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही राकेश शर्मा जी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो ये राकेश शर्मा जी हैं ये 2019 में ही IMAMA के उपाध्यक्ष चुन लिए गए थे। IMAMA के फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, ठीक है दोस्तों। और ये
अक्टूबर 2007 में प्रेसिडेंट बने थे, किसके? बजाज ऑटो के। और वर्तमान में क्या है बजाज ऑटो के? तो कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन, यानी कि हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड अभियान की शुरुआत किसने किया? इसकी शुरुआत किया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी शुरुआत की। जो रमेश पोखरियाल निशंक है, ये भारत के प्रेजेंट टाइम के मानव संसाधन और विकास मंत्री है। ठीक है दोस्तों, अब ये कहां पे लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया गया है दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर, और इस अभियान का क्या नाम है? हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड। अब देखिए, इन्होंने एक वीडियो जारी किया और उन्होंने संदेश दिया। क्या संदेश दिया? इन संदेश के बारे में पूरा उनकी ही जैसे उन्होंने लिखा था वैसे ही जानते हैं। तो उन्होंने कहा, साथियों विश्व पुस्तक दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कहा गया है आप एक पुस्तक खोलते हो तो आप एक नई दुनिया खोलते हैं। ठीक, मेरा आग्रह है कि आप सभी एक पुस्तक पढ़कर उसके बारे में हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड के साथ मुझे बताएं कि आप इस समय कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। और देखिए, उन्होंने ऐसा भी कहा, जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, लॉकडाउन के दौरान अपने कोर्स के अलावा, यानी कि अपने क्लास के अलावा जो उनमें रुचि ना हो उसकी भी एक किताब पढ़ें, जिससे बाहर दुनिया को जानने का पूरा मौका मिलेगा। और उन्होंने विद्यार्थियों से ये भी आग्रह किया कि जो भी आप किताब पढ़ेंगे उसके बारे में पूरा का पूरा मुझे इस हैंडल पर बताइए, हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड पर, कि आपने कौन सी किताब पढ़ी, और ये अगले 7 दिनों तक चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट, यानी कि किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? इसको प्रक्षेपित किया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईरान ने इसको प्रक्षेपित किया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको किसके हवाले से न्यूज आई है, तो वहां की एक न्यूज एजेंसी है इस्लामिक रिपब्लिकन, उसने किसके हवाले छापी है? तो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के हवाले से खबर छापी। अब देखिए, जो उपग्रह छोड़ा गया उसका नाम क्या है? उसका नाम है नूर, और इसको पृथ्वी से 425 किलोमीटर दूर पर छोड़ा गया। अब देखिए, जो वहां के संचार मंत्री, ईरान के संचार मंत्री कौन है? मोहम्मद जवाद अजहरी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हमारे देश के लिए बहुत गर्व का बात है, क्योंकि पहला सैन्य उपग्रह छोड़ा गया अपने देश की तरफ से। अब देखेंगे दोस्तों हम आज का प्रश्न, और ये आज का प्रश्न है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द रिसेंटली अनाउंस मिताली राज बायोपिक शाबाश मिट्टू, यानी कि हाल ही में घोषित मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिट्टू के निदेशक कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए, तो नया क्या है वो देखने का आप टाइम आ गया। देखिए दोस्तों, नया क्वेश्चन फॉर यू, यानी कि इस प्रश्न का भी जवाब देना, यानी कि अब से हम रोज 5 साइंस के प्रश्न लेंगे, जिससे आपको जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर में आए हुए प्रश्न है, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है अच्छे रूप से। ठीक है दोस्तों, और आपने इस वीडियो को पूरा देखा इसीलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ओके।